यस बिल्कुल अनलिमिटेड इनकम हो सकती है। कैसे हो सकती है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यह है शेयर मार्केट भाई। शेयर मार्केट से आप अनलिमिटेड इनकम जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए देखिए एक कंपनी है, ठीक है, क्या है, एक कंपनी है। अब इस कंपनी को क्या चाहिए, इस कंपनी को चाहिए फंड। तो ये क्या करेगी, ये ढूंढेगी ऐसे लोगों को जो इसकी कंपनी में पैसा लगा सके। अब मान लीजिए लोग तो मिल गए जो पैसा लगाएंगे, इन्वेस्टर्स जिनको हम बोलते हैं। अब वो लोग पैसा क्यों लगाए, तो उसके बदले में कंपनी बोलती है कि एक काम करिए, मेरे पास में क्या है ना, मेरे पास में कुछ शेयर्स है, इक्विटी है, इसको आप रख लीजिए गारंटी के तौर पे और मुझे पैसा दे दीजिए। जब भी आप इस शेयर को बेचेंगे मार्केट में, तो जो पैसा आज मुझे दे रहे हैं इसके बदले में, उससे डबल रेट या ट्रिपल रेट या उससे ज्यादा रेट पे ये बिकेगा मार्केट में। चलिए इसको और आसान भाषा में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी को 1 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है, मान लो और आसान भाषा में समझो। मान लीजिए आपके पास में 1 लाख रुपए का गोल्ड है, आप कहीं पे फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस जैसी किसी संस्था में, किसी बैंक में गए और जाकर के आपने बोला यार मेरे पास गोल्ड है तो मुझे पैसा दे दीजिए। उसने आपको 1 लाख रुपए दे दिया। अब उस गोल्ड को आपने अगर सेल किया तो 1 लाख मिल गया, लेकिन अगर आपने उसको वैसे ही रख दिया कि नहीं यार मेरे को ना खाली गिरवी रखना है, मैं बाद में इससे ले सकता हूं, ठीक है, तो ये सिस्टम क्या है, ये अलग अलग सिस्टम है। लेकिन मान लीजिए आपने सेल ही कर दिया कि ठीक है, तो अब उस गोल्ड पे आपका अधिकार नहीं रहेगा क्योंकि आपको 1 लाख रुपए मिल गए। तो सेम इसी तरीके से कोई भी कंपनी क्या करती है, अपने कुछ शेयर्स, अपनी कुछ इक्विटी सेल कर देती, रेंट पे नहीं देती या उधार नहीं लेती या मॉर्गेज नहीं रखती, ठीक है, तो वो क्या करती है, सेल कर देती है, उसके बदले में उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सेल किसको करती है, इन्वेस्टर्स को। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, ठीक है भैया कंपनी को देखा यार कंपनी बहुत अच्छी है, ये कंपनी आगे जाकर के बहुत अच्छा मुनाफा कर सकती है, बहुत ग्रो कर सकती है, तो चलिए हम आपकी कंपनी के 1% हिस्सेदारी लेते हैं और आपको 1 लाख रुपए दे देते हैं। मान लीजिए कंपनी धीरे 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 करते करते बहुत बड़ी बन गई। आज 1% हिस्सेदारी की जो कीमत है, मान लो जैसे गोल्ड का हमने क्या किया था, 1 लाख का गोल्ड हमने सेल किया था, उसी गोल्ड की कीमत 1 साल बाद क्या होगी, 2 लाख रुपए हो गए। तो अब उस पर हमारा अधिकार नहीं है क्योंकि हम बेच चुके, लेकिन जिसने खरीदा था अब उसको 2 लाख में बेच सकता है। सेम उसी तरीके से जो कंपनी है, जिस कंपनी ने अपने शेयर्स को बेचा, ठीक है, 1% 1 लाख के बदले में, आज उस कंपनी की नेटवर्थ होगी मान लीजिए 1000 करोड़। तो अब 1% की वैल्यू क्या होगी, 10 करोड़। कितनी, 10 करोड़। 1 लाख रुपए में खरीदा था उस व्यक्ति ने, अब बेच कितने में सकता है, वो 10 करोड़ में। तो फायदा है कि घाटा है, यही बेसिकली फंडा होता है शेयर मार्केट का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को चाहिए फंड, और फंड देने वाले कौन है, इन्वेस्टर्स। और इसके बदले में आप कंपनी को क्या दे रहे हैं, आप कंपनी को दे रहे हैं बेसिकली इक्विटी और शेयर, ठीक है, और ये ले कौन रहा है, ये ले रहे हैं इन्वेस्टर। लेकिन एक और बीच में बोर्ड आ जाता है, वो क्या कहते हैं, ठहरो भैया हम भी हैं, ठीक है, हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपकी लेन देन में सहायता करेंगे। वो कौन है, NSE है और BSE के नाम से जो आप जानते हैं, एक्सचेंज बोर्ड, ठीक है। यानी कि इक्विटी आप डायरेक्टली किसी कंपनी को कैसे दोगे जाकर के, मतलब किसी इन्वेस्टर को कैसे दोगे, ठीक है, कोई भी कंपनी है वो डायरेक्टली कैसे जाकर के देगी। तो ये कहते हैं कि भैया एक काम करो, आप हमारे यहाँ पे लिस्ट करो, हमारे बोर्ड पे लिस्ट करो, यहाँ पे बहुत सारे खरीदार आते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, अब वो प्रोडक्ट आप बेचना तो चाहते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, आपको पता ही नहीं कहाँ बेचें। तो अमेजोन क्या करता है, जैसे अमेजोन है एक मार्केट प्लेस है, वो क्या करता है, हमारे यहाँ पे आकर के लिस्ट कर लो, हम आपके प्रोडक्ट को बिकवा देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से कंपनीज क्या करती है, एक्सचेंज बोर्ड पे जाकर के अपने शेयर्स को, अपनी इक्विटी को लिस्ट करती है, जिसको आप IPO के नाम से जानते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था। जब वहां पे जाकर के लोग लिस्ट करते हैं तो वहां पे खरीदार आते हैं कि यार ये कंपनी अच्छी, चलो इसके शेयर मुझे दे दो, ठीक है। तो एक्सचेंज बोर्ड इसमें आ जाते हैं। बेसिकली दो एक्सचेंज बोर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर है इंडिया के अंदर, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसके अलावा दूसरा है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये दो स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और ज्यादातर कंपनीज इनके ऊपर लिस्टेड होती है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। लेकिन एक और चीज आ जाती है, वो क्या है, ठहरो ये क्या है, ये कहते हैं कि चलो ठीक है यार बोर्ड अगर कोई गड़बड़ ना कर दे इसके ऊपर मैं नजर तो रखूंगा, ये होते हैं रेगुलेटर। रेगुलेटर मतलब सेबी, ठीक है। तो सेबी क्या करती है, कंपनी के ऊपर, बोर्ड के ऊपर और इन्वेस्टर के ऊपर, तीनों के ऊपर नजर रखती है कि यार किसी भी व्यक्ति का पैसा फंसना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बहुत बारी पैसे को क्या करते हैं, लेन देन कर देते हैं लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो उसके ऊपर सेबी पूरी तरीके से नजर रखती है कि भैया मैं तुम्हारे ऊपर नजर रख रही हूं, पैसा फंसना नहीं चाहिए किसी भी व्यक्ति का, ना तो कंपनी के साथ चीटिंग होनी चाहिए, ना इन्वेस्टर्स के साथ चीटिंग होनी चाहिए। जो एक्सचेंज बोर्ड है वो तो अपना काम कर ही रहा है। तो इस चीज में पूरे की पूरी कार्रवाई को देखने का काम सेबी का है, वो एक रेगुलेटर का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बेसिकली आज के सेशन में हम ये चार चीजें जानने वाले हैं। तो ये चार चीजें, सबसे पहले शेयर मार्केट में लोग अपना पैसा क्यों डुबाते थे, दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे चलो ठीक है इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर डुबा देते हैं तो हमें कारण तो जान ले लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है, उस चीज के बारे में बात करेंगे। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे ठीक है यार चलो सॉल्यूशन भी मिल गया लेकिन हम रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि शेयर मार्केट में ना प्रॉफिट आपके कंट्रोल में नहीं होता माय डियर फ्रेंड,
प्रॉफिट किसके कंट्रोल में होता है भैया? जो कंपनीज हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है वो चल रहा है, लेकिन प्रॉफिट किसके कंट्रोल में? किसी के नहीं। आपके कंट्रोल में क्या है? केवल अपने कैपिटल के ऊपर रिस्क मैनेजमेंट आपके कंट्रोल में है, तो आप केवल रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। जब हमें ये चीज समझ में आ गई कि हम केवल रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, तो हमें करना क्या चाहिए? हमें यहाँ पे एक चीज को देखना चाहिए कि चलो ठीक है यार, रिस्क को हम मैनेज कर रहे हैं। अगर हम 1,000 रुपए लेकर के मार्केट में घुसे, तो 1,000 रुपए में से हम ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए का रिस्क ले सकते हैं, 10 रुपए का रिस्क ले सकते हैं, 100 रुपए का रिस्क ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो उस रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे ये भी हम सीखेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे सीखने वाले हैं हाउ कैन आई गेट हायर रिटर्न्स, यानी कि मैंने कम पैसा लगाया, मैं उसमें हायर रिटर्न्स कैसे निकाल सकता हूँ, उस चीज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चीज को भी आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये चारों टॉपिक मैं आज के सेशन में कवर करने वाला हूँ। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले लोग अपना पैसा क्यों डुबा देते हैं शेयर मार्केट में? वो जानबूझ के थोड़ी डुबाते हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं। मैं आपको 6 कमियां गिनाता हूं। आप शेयर मार्केट के अंदर हैं तो यकीन मानिए आपका पैसा भी डूब सकता है, तो इन 6 कमियों को सबसे पहले दूर कर लेना। चलिए जानते हैं, सबसे पहले एक एक करके हम सबसे पहले समझ लेते हैं लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग पैसा लेकर के घुसते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट में जितने भी लोग घुसे उसमें से 90% लोग अपना पैसा डुबा करके आते हैं, कमा करके नहीं आते, अपना पैसा डुबा करके आते हैं। अब किसी का डूबेगा तभी तो किसी का बनेगा, ठीक है? तो शेयर मार्केट में मोस्टली अगर मैं बात करूं 11% लोग ही ऐसे हैं जो ट्रेड करते हैं, 11% में से भी केवल 5% लोग पैसा कमाते हैं, बाकी के जो 6% है लोग वो अपने पैसा डुबा देते हैं और 1-2 साल में ही बाहर हो जाते हैं। तो ये जो डुबाने वाले हैं वो किसका फायदा करवाते हैं? जो कमाते हैं। अब ये डुबाते क्यों है? क्योंकि इन लोगों को ना नॉलेज नहीं होती। यस, इन लोगों को नॉलेज नहीं होती कि शेयर मार्केट से पैसा बनाया कैसे जाता है, इन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता, इन लोगों को ये नहीं पता कि ट्रेडिंग होती कैसे। लेकिन कहीं से सुन लिया, अरे वो शर्मा जी का लड़का है, वो ना करोड़पति बन गया, उसने गाड़ी ले ली है, किससे? शेयर मार्केट से काम करके, ठीक है? तो हम लोग सोचते हैं चलो ठीक है यार हम भी ले लेते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं भाई, आप भी डूबोगे, ठीक है, और आपका पैसा भी डूबेगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ठीक है यार, तो हमें क्या करना चाहिए? नॉलेज लेनी चाहिए, है ना? सबसे पहले हमें शेयर मार्केट का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इमोशंस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इमोशनल होकर का डिसीजन लेते हैं, अब तो मुझे करोड़पति बनना ही बनना है, अब तो मैं पैसा कमा के छोड़ूंगा, अब नहीं रुकने वाला मैं। क्यों नहीं रुकने वाला? क्योंकि भैया बहुत हो गया, मतलब धीरे 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 अब तो मैं फास्ट दौड़ूंगा। तो ये इमोशंस में बहकर के डिसीजन लेते हैं। जो लोग इमोशन में बहकर के डिसीजन लेते हैं उनका पैसा भी डूब जाता है, ठीक है? तो इमोशनल होकर के भी डिसीजन नहीं लेने होते। नेक्स्ट है यहाँ पे लैक ऑफ रिसर्च। आप जिस शेयर को खरीदने वाले हो, जिस कंपनी पे आप पैसा लगाने वाले हो, वो कंपनी कैसी है, उस कंपनी का रिवेन्यू क्या है, उस कंपनी का फ्यूचर क्या है, इसके बारे में रिसर्च कौन करेगा, उसका मोटिव क्या है, विजन क्या है, ये सारी चीजों के ऊपर रिसर्च करना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी भी कंपनी में प्रॉफिट बना सकते हैं। तो बिना रिसर्च के घुसोगे तो क्या होगे? मरोगे तो हो ही ना, ठीक है? तो इस चीज के ऊपर आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मार्केट वॉलेटाइलिटी, ठीक है? बहुत बार हम ऐसे शेयर के ऊपर पैसा लगाते हैं जो हाईली वॉलेटाइल है, और जैसे वो ऊपर जाते हैं हम खुश हो जाते हैं, उत्तरी तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और जैसे वो नीचे आता है, ओ यार मेरे को 1,000 रुपए का घाटा हो गया, क्योंकि लगे ही 1,000 थे, तो हम लोग खुश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और दुखी भी बहुत जल्दी होते हैं। लेकिन जब हाईली वॉलेटाइल मार्केट पे आप पैसा लगाते हैं तो आपको खुश होने का मौका बहुत कम मिलता है, लेकिन रोने का मौका आपको बार 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 मिलता है, ठीक है? तो आपको जब भी पैसा लगाना चाहिए हाईली वॉलेटाइल मार्केट पे नहीं लगाना चाहिए, इससे आपको जरूर बचना चाहिए, खासकर तब जब आप बिल्कुल नए हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारा 5वां पॉइंट, लिवरेज इन्वेस्टमेंट। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग देखते हैं, अभी तो हम वैसे एक तो वैसे ही हम नए, क्योंकि नॉलेज है नहीं, एक्सपीरियंस है नहीं, ठीक है? इमोशन में बहकर के हमने डिसीजन ले लिए, सारी चीजें तो हम पहले ही गलती कर चुके हैं, उसके बाद एक और गलती करते हैं, और पैसा लगाओ। क्यों? क्योंकि मार्केट कह रहा है कि अगर थोड़ा और पैसा लगा दोगे तो मैं आपको सस्ते में शेयर दे दूंगा, ठीक है? इस चक्कर में हम पैसा लगाते जाते हैं, वो भी बिना नॉलेज बिना एक्सपीरियंस के, और होता क्या, फाइनली जितना लगाया सारा का सारा डूब गया, ठीक है? बहुत सारे लोगों के घर तक बिक जाते हैं शेयर मार्केट के चक्कर में। तो इस चक्कर में लोग पैसा डुबा देते हैं, क्योंकि उनका पहला निकला नहीं, नया उन्होंने लगा दिया, लेकिन विदाउट नॉलेज, ठीक है? अगर आपको नॉलेज है तो आप जितना मर्जी पैसा लगा दो, 20 लाख, 50 लाख, 50 करोड़, जितना मर्जी लगा सकते हो, प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन अगर विदाउट नॉलेज लगा दिया तो 110% मरोगे। चलिए नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा स्कैम एंड फ्रॉड्स। शेयर मार्केट के नाम पर ना बहुत सारे स्कैम और बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है? आज के टाइम पे तो और ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इस चीज को भी वैसे सेबी देखती है, ठीक है? रेगुलेटर बना हुआ है इसके लिए भी,
लेकिन इन चीजों से हमें बचना चाहिए। तो लोग स्कैम के चक्कर में पड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट के नाम पे बहुत सारा फंड ले लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो सारा का सारा पैसा डूब जाता है, क्योंकि उसको भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में भी हमें देखना चाहिए और इन चीजों से हमें बचना चाहिए। इसका सॉल्यूशन क्या है, चलिए सॉल्यूशन जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे गेन नॉलेज। हमने लास्ट में पढ़ा था प्रॉब्लम क्या थी, नॉलेज नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था। तो हमें इसका सॉल्यूशन क्या है, नॉलेज गेन करो, शेयर मार्केट सीखना शुरू करो भाई। इसका ये भविष्य की अपॉर्चुनिटी है यार। आज आप शेयर मार्केट में देखते हैं कि जैसे मान लो निफ्टी है, ये इंडेक्स है, निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, ये क्या है, एक इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब जिसके अंदर कुछ कंपनीज है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, बुरा परफॉर्म कर रही है, वहां पे समझ में आ जाता है। ठीक है, निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज मान लो, सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनीज मान लो। तो ये क्या है, ये सारी की सारी एक इंडेक्स है जो हमें दिखाता है कि अच्छा निफ्टी बढ़ गया मतलब इन 50 कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, निफ्टी डाउन गया मतलब इन 50 कंपनीज ने बहुत बुरा परफॉर्म किया। उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान जरूर देना चाहिए जिस कंपनी में खासकर हमारे पैसे लगे हो। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, मेनली नॉलेज गेन करनी चाहिए। किसके बारे में नॉलेज करनी चाहिए, शेयर्स के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, एक्सचेंज बोर्ड के बारे में, ठीक है, इंडिकेटर्स के बारे में, न्यूज के बारे में, कंपनी पे कैसे रिसर्च करते हैं उस चीज के बारे में। ये जब नॉलेज हमें होगी और धीरे 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 जब इस नॉलेज के साथ हम शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। देखिए इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों में फर्क होता है। ट्रेडर वो होते हैं जो एक साल से कम समय के लिए पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, वो क्या होते हैं, ट्रेडर होते हैं। जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, 2 साल 5 साल 10 साल के लिए, वो क्या होते हैं, वो होते हैं इन्वेस्टर। तो हम लोगों को ना इन्वेस्टर की तरफ ज्यादा जाना चाहिए, इन्वेस्टर हमें बनना चाहिए अगर आप हायर प्रॉफिट और रिस्क फ्री प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं देन आप ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं। चलिए अब और बात कर लेते हैं। तो हमें नॉलेज गेन कर लिया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे था इमोशन। हम लोग इमोशनल होकर के डिसीजन ले लेते हैं, किसी की गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया तो भैया अब तो मतलब जो कहते हैं ना कि अब हमें कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाना है कि वो वापस आ जाए, है ना, वापस तो नहीं आते। जो पैसा बचा कुचा था ना माँ बाप का वो भी घुसा दिया। तो हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए भाई, जो भी है नॉलेज के हिसाब से चलो ना, मार्केट क्या आपको इंडिकेट कर रहा है उसके हिसाब से चलना चाहिए, ना कि इमोशनल होकर के। तो इमोशंस के चक्कर में भी बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं, राइट। तो इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे फोकस ऑन मार्केट रिसर्च। आप जब भी पैसा लगा रहे हैं किसी भी कंपनी के ऊपर, आप पैसा लगा रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च आपके पास होनी चाहिए कि ये कंपनी क्या करती है, कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, इसका क्या डिमांड है मार्केट में, और एक्चुअली में ये प्रॉफिटेबल होगी भी कि नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम पेटीएम का। पेटीएम ने क्या किया था, पेटीएम अपना आईपीओ लेकर के आने वाला था, बहुत हाउ हुल्ला हुआ कि यार ये तो मतलब लोगों को करोड़पति बना देगा, अरबपति बना देगा, बहुत जल्दी ग्रो करेगा, ऐसे जोमेटो का भी हुआ था। और जब ये आईपीओ लिस्ट हुआ उसके बाद में जैसे इसके शेयर्स मार्केट में आए वापस डाउन, यानी कि इन्होंने जितने पे लोगों ने जितने पे खरीदे थे शेयर्स अब उतने उससे भी कम चले गए उसके प्राइस। कैसे चले गए, क्योंकि जब बाद में इसकी न्यूज बाहर आई, लोगों ने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो उसकी एक्चुअल रियलिटी पता लगी कि ये प्रॉफिटेबल है ही नहीं। और लोगों ने जब पता लगा लिया तो उसकी क्या हुआ, उसकी मार्केट में डिमांड बची ही नहीं, ठीक है, उसके खरीदार ही नहीं बचे। किसी भी कंपनी के शेयर्स अब कब जाते हैं, जब उसके डिमांड बहुत ज्यादा हो, खरीदार बहुत ज्यादा हो, ठीक है, और माल कम हो मार्केट में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि हमें सतर्क रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे वर्क ऑन लो वॉलेटाइल शेयर्स। जब आप नए हो, जैसे मैंने लास्ट में भी बताया था आपको कि जब आप नए हैं शेयर मार्केट के अंदर तो उस समय आपको हाईली वॉलेटाइल शेयर के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, लो वॉलेटाइल शेयर के ऊपर आपको काम करना चाहिए, क्योंकि यही आपको प्रॉफिट बना करके देगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, चलो ठीक है यार, वर्क ऑन स्टॉप लॉस। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा रिस्क फ्री रहे, आप रिस्क फ्री रहे, आपका पैसा डूबे नहीं, तो स्टॉप लॉस के ऊपर वर्क करिए, इसमें मास्टरी कर लीजिए। कब आपको स्टॉप लॉस लगाना है, कितना रिस्क आप बेयर कर सकते हैं, ये सारी चीजों के ऊपर आपको मास्टरी करनी होगी। कैसे मास्टरी करेंगे, अगेन पहले पॉइंट पे आ जाइए, नॉलेज गेन करिए। क्या करिए, नॉलेज गेन करिए, क्योंकि नॉलेज होगी तो ही तो आप प्रॉफिट बना पाएंगे, नॉलेज नहीं होगी तो प्रॉफिट कैसे बना लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे स्टे अवे किससे, सस्पिशियस एक्टिविटीज। बहुत सारे लोग जो फ्रॉड करते हैं, तो आप रिसर्च करिए, ये इसमें रिसर्च आपकी बहुत मदद करेगा। जब भी आप पैसा लगाते हैं ना, आप किस व्यक्ति के पास पैसा लगा रहे हैं, किस कंपनी के पास पैसा लगा रहे हैं, और वाकई वो ट्रस्टेड है कि नहीं है, आपका पैसा आएगा कि नहीं आएगा, डूब तो नहीं जाएगा, इसके बारे में आपको रिसर्च जरूर करनी चाहिए, तभी आपको पैसा लगाना चाहिए। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे मेरे पास में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो मार्केट में ना लाखों रुपए डुबा कर बैठे, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख रुपए मार्केट में डुबा करके बैठा है। हमारा क्या पॉइंट है, हमारा एक ही पॉइंट है, हम सिंपल कहते हैं आपने हमारे पास इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, देखो प्रॉफिट जब होगा तब होगा, ठीक है, और समय की हम गारंटी देते नहीं है। हम एक ही चीज बोलते हैं, आपका जो प्रिंसिपल हमारे पास लगाना है वो नहीं डूबने देंगे।
और ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो आप लोग जब भी मार्केट में पैसा लगाते हैं, हम किस तरीके से वर्क करते हैं, हम एज अ फुल टाइम ब्रोकर की तरह काम करते हैं। कैसे? एज अ फुल टाइम या फुल सर्विस ब्रोकर की तरह, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी हम ही करते हैं, ट्रेडिंग भी हम ही करते हैं, प्रॉफिट भी हम ही बनाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या मार्केट में इस नाम पे बहुत सारी चीजें बिक रही हैं कि हम आपको ये करके दे देंगे, लेकिन होता जाता कुछ नहीं है। प्रॉफिट के लालच में लोग लगा भी देते हैं और फिर क्या होता है, डूब जाते हैं। तो पैसा डूबे नहीं, इस चीज की भी आपको श्योरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हाउ टू मैनेज रिस्क। किस चीज का? कैपिटल का। भाई अगर मान लीजिए हम रिस्क ले रहे हैं तो उस रिस्क को कैसे मैनेज करें कि हमारा कैपिटल डूबे नहीं। तो इसके लिए मैं किन पॉइंट्स को याद रखता हूं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगेन एंड अगेन वही पॉइंट्स कुछ रिपीट हो रहे हैं जो पॉइंट एक्चुअली में शेयर मार्केट में काम करते हैं। ये 6 पॉइंट का मैं आंकड़ा लेकर के चल रहा हूं। मैंने 6 पॉइंट आपको ये बताए कि शेयर मार्केट में लोग पैसा डुबाते क्यों है, फिर 6 पॉइंट मैंने आपको वो बताए, जस्ट उसी को अपोजिट कर दो कि कैसे बच सकते हो। अब मैं आपको अगेन 6 पॉइंट बताने वाला हूं कैसे कि आप रिस्क वो बच सकते हो। जो सॉल्यूशन है वही सॉल्यूशन यहां पे भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। मान लीजिए आपने मार्केट में रिसर्च किया, एक कंपनी है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्या कर रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन आपको क्या दिखा, यार ये कंपनी तो सारा का सारा पैसा उसी कंपनी में डाल दिया, तो क्या होगा, पैसा डूबेगा। क्यों डूबेगा? कंपनी डूबेगी तो आपका सारा पैसा गया। लेकिन आपने क्या किया, 10-12 कंपनीज के ऊपर रिसर्च करी और 10 में से 6 कंपनी आपने बेस्ट निकाली कि ये अच्छी हो सकती है, ठीक है, और उन 6 कंपनी पे पैसा लगा लिया। 1-2 डूब भी गई कोई बात नहीं, 2-3 ने अच्छा परफॉर्म कर दिया ना, आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ था, एक कंपनी में पैसा नहीं डाला। आपने अगर शार्क टैंक इंडिया देखा हो तो वहां पे क्या होता है, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति ना एक में पैसा नहीं डाल रहा। वहां पे क्या है, उसने एक ने 20 कंपनी में पैसा डाल दिया, एक ने 50 में, तो वो क्यों डालते हैं, ठीक है, करोड़ों रुपए उनके पास फालतू तो आ नहीं रहा, लेकिन वो इसीलिए डालते हैं कि अगर मान लो 10 कंपनी डूब भी गई तो 1-2 भी अगर अच्छी चल गई तो क्या होगा, उनका पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो यही चीज हम लोगों को भी यूज करनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए इन्वेस्टर से, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनसे सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए, हम लोग मैक्सिमम कंपनीज में कैसे पैसा लगाएं, ठीक है, वो एक ही कंपनी में थोड़ी पैसा लगाते हैं कि सारा पैसा, 20,000 करोड़ का मालिक है, उसने 20,000 करोड़ एक ही कंपनी में ठोक दी और वो कंपनी डूब गई तो उसके 20,000 करोड़ भी डूब गए, ऐसा नहीं करते, राइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेट स्टॉप लॉस, ठीक है, स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए जो भी ऑर्डर्स आप लेते हैं। ऐसा नहीं कि बस खरीद दिया तो खरीद दिया, अब तो बस आंख पर पट्टी बांध दिया, अब तो चलना ही चलना है, हम जीत ही जाएंगे, ऐसा नहीं है यार। स्टॉप लॉस का यूज जरूर करिए, जो हम बताते हैं ये आपके कैपिटल को रिस्क में जाने से बचाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडर मत बनिए, इन्वेस्टर बनिए। अगर आप ट्रेडर बनते हैं कि चलो 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है, ठीक है, वो रिस्क से बचने के लिए हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा, कम से कम 6 महीने से 1 साल के लिए जरूर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस बीच हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रॉफिट देगा या लॉस देगा, और उस बीच अगर हमें लगा कि लॉस होने वाला है तो हम उसको रिकवर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 6 महीने 1 साल का टाइम है, लेकिन 10 ही दिन का टाइम है, 10 दिन में से कुछ तो छुट्टियां हो जाती हैं, तो आप कब रिकवर करोगे, कब आइडेंटिफाई करोगे, उसमें हाई रिस्क होता है। हाँ माना ही है कि वहां पे प्रॉफिट भी हाई होता है लेकिन रिस्क भी बहुत हाई होता है, तो इस रिस्क से बचने के लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जरूर जाना चाहिए। रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, जो मैंने अभी लास्ट पॉइंट बताया था आपको, ठीक है, रिसर्च इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रिसर्च ही एक वो चीज है जो आपके पैसे को प्रॉफिटेबल लेकर के जाएगा और आपके रिस्क को मैनेज करेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे और क्या है, अवॉइड ओवर लेवरेजिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पहले से ही घाटे में जा रहे फिर और पैसा डालो, फिर घाटे में जा रहे फिर और पैसा डालो, फिर घाटे में जा रहे फिर और पैसा डालो। अगर आपको नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है तो रुक जाइए, उसको ओवर लेवरेज मत करिए कि कर्जे पे भी पैसा उठा लिया, दोस्तों से भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप घाटे में जाए जा रहे हो, नहीं। अगर आप एटलीस्ट प्रॉफिट नहीं बना रहे, ब्रेक इवन पे भी अगर आप हैं तब भी आप पैसा लगा सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप घाटे में हैं तो आप पैसा मत लगाइए, ब्रेक इवन तक भी है पैसा लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन पैसा कब लगाना है, कब प्रॉफिटेबल होगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कब करेंगे नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, जो हमारे लाइव सेशंस होते हैं। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं हमारे लाइव सेशंस के बारे में, हमारी वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगी, अगर स्क्रीन पे ना दिखे तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, drivarsal.com, www.drivarsal.com पे आप जाइए, ठीक है, या सर्च कर लीजिए गूगल पे माई डीपीएल सर्च कर लेंगे तो आ जाएगी हमारी वेबसाइट, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं, राइट। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, लास्ट पॉइंट है मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट। आपको अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको मॉनिटर करना चाहिए, उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। यार हम लोगों के ऊपर नजर रखते हैं, दोस्तों के ऊपर नजर रखते हैं, सब चीज के ऊपर तो हम नजर रखते हैं,
लेकिन क्या अपने ऊपर नजर रख रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर नजर रख रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो पर नजर रख रहे हैं? नहीं, हमें जरूर नजर रखनी चाहिए। यही चीज दर्शाती है कि एक्चुअली में हम प्रॉफिटेबल होंगे या लॉस में जाएंगे, राइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हाउ कैन आई गेट हायर रिटर्न, हम कम पैसा लगा करके ज्यादा रिटर्न कैसे पा सकते हैं, इस चीज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, अगर आपको हायर रिटर्न चाहिए कम पैसे में तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं यार मैं तो बहुत जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहता हूँ, बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता हूँ, तो अमीर बनने के चक्कर में जो कहते हैं ना करोड़पति से रोडपति आने में टाइम नहीं लगेगा, तो जल्दी जल्दी नहीं, स्लोली जाओ। क्यों, देखो जल्दी कब जा सकते हो, मैं अगेन फिर इस चीज को रिपीट करूंगा, अगर आपको नॉलेज है एक्सपीरियंस है तो आप फास्ट भी दौड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहते ना कि अगर आप नए नए ड्राइवर हैं और बहुत स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो आपका एक्सीडेंट तय है, पक्का है, हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सालों हो गए गाड़ी चलाते, आप स्पीड से भी चलाएंगे तो आपके कंट्रोल में रहेगी गाड़ी, ठीक है। तो उसी तरीके से जब आप शेयर मार्केट में अगर आप स्पीड से भी जाना चाहते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो जा सकते हैं, लेकिन अगर आप नए नए हैं स्पीड से जाने की कोशिश करेंगे तो मुंह फोड़वा लेंगे। तो इस चीज के ऊपर हम लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, जो हमने लास्ट पॉइंट कवर किया। इसके अलावा डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, अगर आपको हायर रिटर्न चाहिए देन अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए। जो स्टॉक सस्ते हो, जो मतलब मार्केट में इतनी ज्यादा डिमांड ना हो जिस चीज, उस चीज के ऊपर आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अभी डिमांड नहीं है, हो सकता है आने वाले टाइम में डिमांड हो। तो जो अगर मान लीजिए कोई शेयर है, इसको ऐसा समझिए, कोई शेयर है 100 रुपए का है आज, और उसकी कीमत आपको लगता है कि वैसे 1000 रुपए होनी चाहिए, आपको लगता है आपकी रिसर्च के हिसाब से उसकी 1000 रुपए होनी चाहिए, लेकिन आज 100 रुपए, तो इसका मतलब आने वाले टाइम में वो 1000 का हो जाएगा। तो ऐसे शेयर्स को आपको जरूर बाय करके रखने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कंसिडर ग्रोथ स्टॉक, जितने भी ग्रोथ स्टॉक है जो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, ग्रोइंग फेज में है, उनके ऊपर आपको जरूर जाना चाहिए, उनको आपको जरूर परचेज करना चाहिए, क्योंकि ये आपको हायर प्रॉफिट दे सकते हैं। और ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा स्टॉक ग्रोथ स्टॉक है, ठीक है, कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ये आप अगेन हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहां पे आपको बहुत सारी नॉलेज इसके बारे में मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट, जो हमने लास्ट में पढ़ा था, वही 6 पॉइंट आपने देखा, ये चारों चीजों में यही 6 पॉइंट रिपीटेडली आए हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा अलग है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, इन 6 पॉइंट को ना लिख लो, ये वो 6 पॉइंट है जो आपको शेयर मार्केट में टॉप तक पहुंचा सकते हैं और आपकी नैया को डूबने से बचा सकते हैं। नहीं तो भैया आपका काम तमाम होने से कोई नहीं रोक सकता, शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग डूब चुके हैं, आप डूबने की तैयारी में हैं, अगर बचना चाहते हैं तो इन 6 पॉइंट के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम लोग शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, कैसे हम शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। अगर आप लोग इसको और बेहतर करना चाहते हैं और बेहतर सीखना चाहते हैं, लर्निंग लेना चाहते हैं, देन वर्क ऑन दैट। तो ये जो 6 पॉइंट इनके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करिए, ये 6 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से मदद करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको सेशन अच्छा लगा, चीजें समझ में आई कि एक्चुअली में शेयर मार्केट क्या है, कैसे प्रॉफिट देता है, कैसे लॉस से बच सकते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम कर लो भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली शेयर मार्केट से रिलेटेड। ऑलरेडी मैं वीडियोस डालना स्टार्ट कर चुका हूं, मैं एक सीरीज बना रहा हूं करीब करीब 50 वीडियो की, जिसमें शेयर मार्केट के बारे में, आईपीओ क्या है, अंडर वैल्यूड शेयर क्या है, ग्रोथ स्टॉक क्या है, पोर्टफोलियो के टाइप क्या है, चार्ट के टाइप क्या है, किस तरीके से हम चार्ट को रीड कर सकते हैं, पूरा डिटेल में ऐसे ही आसान भाषा में सिखाने वाला हूं जैसा आज का सेशन था। सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, जो लोग पैसा डुबा चुके हैं उनके साथ में भी, और जो पैसा कमाना चाहते हैं शेयर मार्केट से उनके साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड।